यार रेडमी नोट 8 प्रो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी आई हुई सारी लीक्स के बारे में, मतलब इधर उधर से जो खबरें निकल के आती हैं उसके बारे में, क्योंकि 29 अगस्त को ये फाइनली ऑफिशियल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंडिया में नहीं होगा, चाइना में होगा और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा। स्पेक्स काफी हद तक सेम रहने वाली है, डिजाइन मॉडल और प्राइसिंग भी काफी हद तक सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे बात करें Xiaomi की, तो इंडिया में बिल्कुल तबाही मचा रखी है और यहाँ पे जो उसका रेडमी वाला सेगमेंट है ये मतलब बिल्कुल कत्लेआम है। कत्लेआम मतलब कि ये फोन आते ही सारे फोनों की यहाँ पे लग जाती है वाट, क्योंकि यार डिमांड इतनी ज्यादा रहती है और सेल स्ट्रेटेजी इतनी एक्सेलेंट रहती है कि भाई कमाल की चीज है ये। लेकिन बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो उसकी लीक्स निकल के आ गई है बाहर और वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। हालांकि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई ये फोन एक्चुअल में कैसा होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, और जो एक्चुअल है वो तो आपको 2-3 दिन बाद मतलब 29 अगस्त के बाद क्लियर हो ही जाएगा कि क्या आने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। सबसे पहले बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आ रहा है आपको फुल HD का, मतलब डिस्प्ले काफी ऑसम होने वाला है यहाँ पे, जो कि प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास से। फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी, तो स्क्रीन की क्वालिटी यहाँ पे काफी इंप्रूव होने वाली है। उसके बाद करें फ्रंट में यहाँ पे कैमरे की, तो भाई फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि होगा फुल HD अगेन। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो डिस्प्ले है वो मिलेगा TK वाला, मतलब एक छोटा सा नॉच होता है उस पर, और उसके अंदर होगा आपका 20MP का कैमरा जो कि काफी अच्छी क्वालिटी आपको पिक्चर्स की प्रोवाइड करेगा। अब यार चलते हैं फोन के पीछे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर मिलते हैं कि भाई फोन के पीछे आपको सेंसर कौन सा मिल रहा है। सेंसर नहीं मिल रहा तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे जो भी है फोन के आगे मिलेगा, लेकिन फोन के पीछे जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैमरा। तो बात करें यहाँ पे क्वाड कैमरा सिस्टम की, तो भाई कैमरा आपको मिलेगा सैमसंग G1164 मेगापिक्सल कैमरे का लेंस होगा, जो अपर्चर होगा 1.7 का होगा, मतलब काफी क्वालिटी वाला होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे दूसरा जो सपोर्टिंग कैमरा होगा वो होगा 1 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो वीडियो कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर कैमरा होगा। मतलब कि यहाँ पे 4 कैमरे मिलने वाले हैं आपको बैक में, और यहाँ पे एक LED फ्लैश मिलने वाला है जो कि डुअल टोन होता है, और ये पूरा सेटअप मिलने वाला है आपको बैक में। तो कैमरे की क्वालिटी कहें तो 4 कैमरे मिलकर यहाँ पे काफी हद तक काफी क्वालिटी वाली फोटोज आपको देने वाले हैं। अगर यहाँ पे पीछे और कोई सेंसर देखने को मिलता है तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो फोन अनलॉक होने वाला है वो तो होगा या तो फेस आईडी के थ्रू, मतलब ऐसा कुछ चेहरे का वहाँ पे तामझाम होगा, या फिर यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। तो भाई ये सारी चीजें हो गई, अब चलते हैं फोन के अंदर। तो यहाँ पे आपको भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैटरी बैकअप, और इसके लिए काफी ज्यादा कमेंट भी आए यहाँ पे मार्केट में, काफी लीक्स भी आए। और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप प्रपोज्ड है वो है यहाँ पे 4500mAh का, 4500mAh की बैटरी मिलेगी जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है आपको एक एक्सलेंट परफॉर्मेंस देने के लिए। और यहाँ पे जो इसके को फाउंडर है उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन आके खुद बोला था कि भाई जो मेरे हाथ में फोन है उसके जो बैटरी बैकअप आराम से 2 दिन जाती है। तो 4500mAh काफी अच्छी बैटरी बैकअप है, और इसके साथ अगर अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छा कैमरा सिस्टम हो, अच्छा सॉफ्टवेयर हो, तो भाई सारा कंबाइन कर दिया जाए यहाँ पे तो एक अल्टीमेट पावर हाउस बन जाता है। अब भाई आगे बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फोन का, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Android 9 Pie जो कि MIUI 10 बेस्ड होगा। अब यहाँ पे बात करें रैम और रोम की, तो भाई यहाँ पे जो लीक्स है वो ये बताते हैं कि ये जो फोन है ये आपको 2 वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा वेरिएंट आपको Redmi Note 8 में देखने को मिल सके, लेकिन प्रो की बात करें तो यहाँ पे जो आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 6/64 का, मतलब 6GB रैम 64GB रोम, और दूसरा जो है 8 और 128 का मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 वेरिएंट है 6/64 8 128, तो काफी अच्छा है गेमिंग वगैरह के लिए, मतलब बिल्कुल पावर हाउस हो जाएगा ये फोन। और फिर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो फिर आता है भाई यहाँ पे प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो फोन की उम्मीद है वो स्टार्ट होने की वो 18,000 से है और जाएगा 21,000 तक। मतलब और भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस पूरे फोन को चलाता है और जिसके ऊपर आपकी निगाहें होंगे कि भाई अभी तक ये बात आई क्यों नहीं, वो है इसका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा MediaTek Helio G90 का प्रोसेसर, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। और ऐसा बोला जा रहा है कि Redmi Note 8 Pro जो है ये पहला फोन होगा जो इस प्रोसेसर को चलाएगा। तो भाई ये प्रोसेसर, ये कैमरा सिस्टम, ये रैम रोम, ये बैटरी बैकअप मिलके और ये डिस्प्ले मिलके जो एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं ओवरऑल काफ़ी क्वालिटी वाले देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि Redmi Note 8 Pro डेफिनेटली एक प्रो सीरीज़ का फ़ोन होगा, और मतलब
पूरा अपीलिंग होगा। तो यार ये थी यहाँ पे सारी लीक Redmi Note 8 Pro के बारे में, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फोन आता है तो फिर बनाते हैं उस पर नई वीडियो कि भाई एक्चुअल में क्या क्या चीजें आई हैं। लेकिन इतनी लीक जो मैंने बताई है, ये 90% चांसेस है कि ये सेम स्पेसिफिकेशन आपको Redmi Note 8 Pro में देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि उससे मिलते हैं मेरे को मोटिवेशन और ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा आप तक। करते हैं खत्म, बाय बाय।